पंचायत के ग्रामीण अंचल भरवी डीह में तालाब गहरीकरण में धांधली का आरोप है। पिछले 3 सप्ताह से रानी डबरी तालाब में रोजगार गारंटी योजना में तालाब गहरीकरण चल रहा है और यहां करीब 700 मजदूर काम कर रहे हैं। ग्रामीणों ने सरपंच और पूर्व सरपंच पर गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कोरोना के खतरे के बीच में उन्हें 190 रुपए की जगह 120 रुपए दिए जा रहे हैं, बिना सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइजर, साबुन और मास्क दिए काम कराया जा रहा है। काम कर रहे कई लोगों के नाम मास्टर रोल में नहीं है और उसे कार्यस्थल पर नहीं भरा जाता है। इससे आक्रोशित मजदूरों ने पूरे भुगतान के साथ ही जांच और कार्रवाई की मांग पंचायत से की है। समाधान न मिलने पर बिलासपुर कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ से शिकायत की जाएगी। 6 तारीख से काम चालू है लेकिन अभी बहुत जने के यहाँ नाम नहीं आया है मास्टरों ने, पर भी सभी काम कर रहे हैं। मजदूरी कौन देगा? रोजगार सहायक बोल रहे हैं, सरपंच बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि आएगा सबको नाम करके, लेकिन बहुत जने का नाम नहीं आया, यही समस्या। हमारे भैया अभी यहाँ काम चला थे मनरेगा के तहत, तो हमारे जन रोजी बने हैं। शासन की योजना के तहत 190 रुपए है लेकिन हमको 120 रुपए के हिसाब से रोजी मिला थे। हमका गड्ढा बराबर 12x12 के नाप के लेते और 10 दिन गढ़ा लेते, और हम कभी तक ना यहाँ कोई मास्क मिले हैं, कोई मास्क नहीं मिले हैं, ऐसे खुला ही हम काम करते हैं। इसमें क्या है, मास्क पूरा वितरण किए हैं, वो लगा नहीं पाते, स्वास्थ्य नहीं ले पाते, तो जिला पंचायत सदस्य बांटे हैं, ग्राम पंचायत सरपंच बांटे हैं, विधायक आकर बांटे हैं, और हम लोग पंचायत जो भी अवसर पूरा सबको बांटे हैं, बाकी लगा नहीं पाते, यही वाला बांटे हैं, ये वाला मास्क है ना। और रह गया मजदूरी का, तो मेजरमेंट हम लोग 190 रुपये मूल्यांकन किए हैं, आगे इंजीनियर ने काट दिया हमें मूल्यांकन को उनका, हम लोग पंचायत से 190 रुपये मूल्यांकन किए हैं, रोजगार सहायक सरपंच दोनों मिलकर के। भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण